नमस्कार, मैं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑन। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अपराध की जांच जल्द होगी। जी हां, इससे पीड़ित को न्याय भी जल्द मिलने की संभावना है और बढ़ जाएगी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अब कागजों पर नहीं बल्कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन होगी। हत्या, लूट, डकैती, रेप जैसे जघन्य अपराधों के साथ साथ सभी तरह के अपराधों की जाँच इन्वेस्टिगेशन ऐप के जरिए होगी। यह एप्लीकेशन जल्द थाने स्तर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के टेबलेट और मोबाइल फोन पर अपलोड होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय के स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने अब इन्वेस्टिगेशन ऐप तैयार किया है। यह ऐप अंतिम चरण में है। इस ऐप में FIR, उसकी आगे की जाँच और चार्जशीट पेश करने की तमाम ऑप्शन है। पुलिस की जाँच पेपरलेस होगी। इसे निरीक्षा से लेकर चार्जशीट तैयार करना आसान हो जाएगा। घटनास्थल पर जाकर केस से जुड़े फोटो, वीडियो, बयान, पंचनामा की कार्रवाई भी इसी ऐप के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन ऐप से पुलिस का समय बचेगा और कागज की बर्बादी भी नहीं होगी। जांच का समय बचेगा तो लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। किसी भी आपराधिक जाँच के दौरान पुलिस को जाँच में भेदभाव करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन होने से हर तरह की जाँच में पारदर्शिता आएगी। इस इन्वेस्टिगेशन ऐप में सुपरविजन की व्यवस्था भी की गई है। यानी जांचकर्ता पुलिसकर्मी जो भी जानकारी इस ऐप पर अपलोड करेगा वह जानकारी थाना प्रभारी, CSP, SP से लेकर ADG तक जाएगी। इसमें अगर किसी तरीके से कोई कमी नजर आएगी तो उसे दूर करने के तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को हाईटेक बनाने और उसके काम को आसान करने पर फोकस कर रही है। अभी पुलिस प्रशासन ने EFIR को आम जनता के लिए लॉन्च किया था। अब इसे एक कदम आगे बढ़कर थानों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ऐप भी तैयार किया गया। तो ये थी सबकी अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ MP पर। जय हिंद, जय भारत।